आई थिंक सबसे बड़ी गलती करने जा रहा हूँ, देखना भाई कैसे जाएंगे, देखना। अब हम देखने जा रहे हैं साउंड एंड लाइट शो। सो हम जा रहे हैं दूसरे पार्क, कौन सा पार्क है? डिज्नी पार्क। डिज्नी पार्क जा रहे हैं और इससे पहले हम थे स्टूडियो, है ना। तो ये ओजी डिज्नी पार्क है, ये वाला मिकी माउस, मिनी माउस, गूफी, डोनाल्ड डक, ये वो वाला वाइब वाला है। ये सब तो एवेंजर्स वगैरह तो बाद में, मूवीज कॉमिक्स तो पहले आ गए नहीं, बट डेवलप धीरे धीरे हो। ये वाला ओजी डिज्नीलैंड पार्क है जहाँ पे आपको पुराने वाले कैरेक्टर्स मिलेंगे, या परेड भी होती है वो भी देखा। एक सीख देना चाहता हूँ, सेल चाहे कितनी भी तगड़ी हो, एक साइज बड़ी निक्कर मत लेना, फिर बेल्ट लाना भूल जाओ कभी तो भाई बारे न्यारे हो जाते हैं। अपने हिसाब से चल रही है, मैं अपने हिसाब से चलना चाह रहा हूँ, ये अपने हिसाब से चल रही है। बार बार फिर से बता हैक। इस तरफ फनी साइड बैठना है जहाँ से गेट ओपन हो रहा है। तो बेसिकली अगर आप ट्रेन ले रहे हो डिज्नीलैंड पार्क में तो ये जाली वाली साइड बैठना, खिड़की वाली साइड मत बैठना, इससे आपको इंटरनल व्यू दिखेगा ये पूरे पार्क का ऐसे ऐसे जब भी वो ट्रैवल करें। थैंक्स टू न्योमा, ले लिया मिक्की माउस के गांव की ट्रेन और खिड़की की सीट भी हथिया ली है। अभी वो तो आपको दिखाया नहीं, मेन जो घर है मिक्की माउस का उसके पंचायत के पास वो दिखाऊंगा। ये है मेरे मिक्की का गांव, जो कार्टूनों में ऐसा सा लगता था कुछ करता है नहीं करता है पता नहीं, गांव आके देखो तो भाई क्या प्रॉपर्टी बना रखी है भाई, झूले एक नंबर भाई। इस ट्रेन के लिए कोई टिकट नहीं चाहिए, तत्काल में होती है, आओ अपना ले जाओ। अब हम पार्क्स घूम रहे हैं भाई, ये बहुत मेहनती आदमी है, ये देखो बहुत बढ़िया रोशन। ले भाई जाना एयरफोर्स में चाहता था लेकिन यहाँ पे आ गया है फॉर द टाइम बीइंग, मेहनत उतनी कर रहा है। टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है भाई, रोशन ने बोल दिया जान उतरना उतरो, बैठना है बैठो, पता नहीं कब तक ठीक होगी। खराब ट्रेन से हम उतरे और सीधा पहुंचे डिज्नीलैंड द परेड देखने। भाई बचपन में अगर मैं यहाँ आ जाता मैं शायद ही घर वापस जाता, इतनी बढ़िया कॉस्ट्यूम एंड सेट इन्होंने बनाया हुआ था। मिकी माउस, प्लूटो एंड फैमिली के बाद हियर कम्स लायन किंग की झांकी, और फिर आई बिना पानी के फाइंडिंग नीमो। ये वाला कार्टून मैंने देखा नहीं है बट ड्रैगन का एक्सरे दिख रहा है, अंदर अंकल बैठे हुए थे। यार इस क्यूट सी बच्ची को लग रहा है सारे रियल कैरेक्टर्स हैं जो वो देखती है। गुड्डी बिटिया, आई कैन फील योर इमोशंस। तो अगर आप डिज्नीलैंड आ रहे हैं, दो क्विक हैक बताता हूँ। एक तो अपने फोन में डिज्नीलैंड जो भी जा रहे हो आप, हांगकांग, पेरिस, यूएस, वहां की ऐप डाउनलोड कर लो, वो लाइव वेटिंग टाइम बताती रहती है आपको, एक्यूरेट नहीं होता, अगर 55 बता रही है तो 30 मिनट में आ जाता है, ऐसा भी होता है बहुत बार। और दूसरा 6 बजे 6:30 के बीच में इनकी एक परेड होती है, वो परेड होने दो, उसके बाद आधी से ज्यादा जनता घर चली जाती है और वेटिंग टाइम आधे से भी कम हो जाते हैं। तो आप लेट आओ, परेड अटेंड करो और रात को 11 तक यहाँ पे 10 या 11 तक राइड्स खुली रहती हैं, आप जाओ और उसके बाद लेस वेटिंग टाइम में मस्त राइड्स एंजॉय करो। अब हम तीन कर चुके हैं हम विद इन आई थिंक 50 मिनट्स या एक घंटे के अंदर अंदर, और अगर सुबह करनी होती तो 1 घंटा 15 मिनट वेटिंग टाइम था लल्लू लल्लू राइड्स पे भी। अब ये एवेंजर्स की राइड है, वो मैंने वाइड एंगल नहीं किया था, कोई बात नहीं। वापस आ रहे हैं भाई लोग लाइन से, मैं भाई आई थिंक सबसे बड़ी गलती करने जा रहा हूँ, बट फॉर द लव ऑफ एवेंजर्स आई एम गोइंग टू ट्राई दिस राइड। ये सबसे स्कैरी रोलर कोस्टर है यहाँ का। ओ आबू धाबी F1 रोलर कोस्टर के बाद मैंने कसम खाई थी कि मैं कोई रोलर कोस्टर नहीं जाऊँगा, बट एवेंजर्स के चक्कर में वो कसम तोड़ी जा रही है। और प्रकृति
रोलर कोस्टर फैन है, वो एवेंजर्स फैन तो नहीं है। मूवी जा रही है, वो तो हंसते खेलते जा रही है, बट मेरा मेरे इस समय पिम पार्टिकल्स मुंह में आए हुए हैं। भाई ये वार्निंग है, अगर आपका सर घूमता है या आपको बैक एक है, हार्ट रेट बढ़ता है और आप अगर प्रेग्नेंट हो तो ये राइड मत करो। पहले तीन तो मुझे हैं, मैं घर जा रहा हूँ भाई, सुकृति कर दी है। देखना भाई कैसे जाएंगे, देखना। कैसी लगी ब्रह्मास्त्र मैम, कैसी लगी? आपको आने चाहिए था। सुकृति को डिच करने के बाद जब हम बाहर निकले तो छत पे नाच रहे थे बहनोई। मारेगा थैनोस, इसे पता लगेगा दोनों बेटियां क्या कर रही। करेक्शन, एक ही बेटी डांस कर रही थी। डिज्नीलैंड आए तो स्पाइडरमैन राइड जरूर ट्राई कीजिएगा। सुबह से कोई टेक्निकल ग्लिच था लेकिन हमारा लक बहुत अच्छा था, उसी टाइम टेक्निकल ग्लिच ठीक हुआ और हम बिना किसी लाइन के सीधा घुस गए स्पाइडरमैन राइड में। ये आपको धुंधली इसलिए दिख रही है क्योंकि ये 3D राइड है। गॉगल्स पहन के यहाँ पे आपको वेब स्लिंगर्स मारने होते हैं। ओम लिखा हुआ है भाई डिज्नीलैंड में, अब आओगे दिखेगा, बट इट्स अ मिकी माउस, ओम लगता है बिल्कुल। अब हम देखने जा रहे हैं साउंड एंड लाइट शो। कैसल में प्रोजेक्ट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्टर्स लगे हैं हाई इंटेंसिटी ल्यूमेंस के। अगर कभी डिज्नीलैंड आओ पूरा सनसेट तक रुकना, रात को 10:50 पे ये साउंड एंड लाइट शो प्रोजेक्ट होता है कैसल में, अमेजिंग। ये साउंड एंड लाइट शो इज अ सरियल एक्सपीरियंस, ये मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। कैमरे में जितना सुंदर आपको दिख रहा है उससे 10 गुना सुंदर ये लाइव दिखता है। इतने पटाखे बजाए, इतने पटाखे बजाए, आपको लगेगा कि मिकी माउस बारात लेकर आ गया भाई दरवाजे पे। फिर मिलेंगे इंडिया। ऑल द बेस्ट। मैंने उबर बुक करी है, वो कहता आई हैव अराइव्ड। मैंने बोला आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स यू 5 मिनट्स सर। उसका आता है ठीक है टैक्सी स्टॉप के पास। अरे वो ट्रांसलेट ऑन होगा ना। मेरी हालत खराब होगी एक सेकंड के लिए, हिंदी में कॉल लिख रहा है ट्रांस में, ठीक है टैक्सी स्टॉप के पास। तो ये था मेरा मिकी माउस के गांव यानी डिज्नीलैंड का सफर। इसने प्रपोज कराया अभी अभी और इसका प्रपोजल। एंड अगले व्लॉग में आपको एक ऐसा स्पॉट बताऊंगा जहां से आईफिल टावर बेस्ट दिखता है और कोई भीड़ नहीं है। यहां तक अगर घूमे हो तो जाते जाते लाइक बटन दबा जाना, सब्सक्राइब नहीं दबाया तो वो भी दबा दीजिएगा।